गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया हुआ हूँ अपनी पॉन्ड वाली मछली को फीड देने के लिए। फीड देने के बाद हम नीचे जाएंगे तोतों के पास, उनकी मैं आपको नई अपडेट दूंगा। कल का मसला हो गया था तो मैं अभी आपको नीचे जाके बताऊंगा। पहले मैं अपनी मछली को फीड डाल लेते हैं, मछली को फीड डाल लेता हूँ। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। हाँ इतनी ठीक, फीड डाल दिए, अब ये फीड खाने के लिए आएंगे ऊपर। तो गाइस अभी मैं अपने फ़ोन में पानी डाल रहा हूँ क्योंकि धूप की वजह से ना पानी ख़त्म हुआ था। अभी तो मैं कल यहाँ तक पानी भरा था तो अभी पानी ना थोड़ा कम हो गया। मैं दोबारा से पानी भरूँगा, थोड़ा यहाँ तक पानी लेकर आऊँगा जितना कल मैं डाला था। तो पानी भर लेते हैं। तो अभी मैंने फीड भी डाली है, अभी मछलियों ऊपर आ रही है फीड खाने के लिए। मैंने क्या नाम है, मछलियों को फीड भी डाल दी है और मैंने थोड़ा पानी भी भर दिया है। पहले कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, वहाँ सब देख सकते हैं। तो पानी भर दिया, अभी हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके मैं अपने तोतों को देखते हैं। तो चलो डालते हैं फीड और अभी हम चलते हैं नीचे। तो जल्दी चलो। तो गाइस अभी मैं अंदर आ चुका हूँ अपने तोतों के रूम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मैंने जगह ये वाली कर दी है जो मैंने इसमें डाल दिया था रात को। और जो हमारे जावा हैं वो इधर ही हैं क्योंकि मेरे पास पिंजरा नहीं है, मैं बोला इसमें डाल देते हैं, बाद में इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो उसको मैंने इसलिए इसमें डाला क्योंकि रात को इस फीमेल ने अंडा दे दिया था क्योंकि अंडे देने वाली थी, और मटकी में नहीं दिया था क्योंकि आपस में लड़ रहे थे तो इसको मटकी में जाने नहीं दे रही थी दूसरी जो फीमेल थी। तो इसलिए ना इसको पाँव में चोट भी लग गई थी, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया था। तो अभी मटकी ला के दिए, अभी इनका कोई मतलब कि मटकी में जा तो फिलहाल नहीं रही, मैंने देखा है। तो अभी हम मटकी में देख लेते हैं क्या सीन है। फिलहाल तो भाई इस मटकी में भी कुछ नहीं है, अभी तक इन्होंने अंडे वंडे नहीं दिए इन तोतों ने, गाइस मतलब के नहीं दिए तो क्या मटकी में अंडे। तो मैंने सोचा दे देंगे सुबह तक और अंडे, कल इन्होंने एक अंडा दे दिया था रात को और ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये देखो आपस में लड़ते रहते हैं, इसने भी एक अंडा दे दिया था। इसके अंडे गाइस पता नहीं ख़राब है, इसका क्या सीन है कुछ समझ नहीं आता। ये अंडे देती है उसमें ना बच्चे नहीं मतलब बनते, ये बैठी रहती है, कोई बच्चे बच्चे नहीं बनते अंडों में। बाकी इनका भी देखना पड़ेगा। और अब गाइस हम अपने लव बर्ड के कहना में चेक कर लेते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में कि बच्चे कितने बड़े हैं, कि बहुत टाइम हो गया हमारे लव बर्ड को। तो अभी लाइट भी नहीं है वरना मैं लाइट चला था अंदर की। ये हमारे लव बर्ड के बच्चे और इनके माशाल्लाह से पर भी आ चुके हैं और एक ये छुप कर बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा है और वो सेकंड नंबर पे, वो थर्ड नंबर पे। इनका गाइस एक अंडा ख़राब पड़ा हुआ है, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो बस ये एक अंडा ख़राब है, इसे हम रख देते हैं बाहर, तो बाद में हम इसे फेंक देंगे। अभी इस ब्रीडिंग बॉक्स को इसकी जगह पर हम रख देते हैं। तो इस ब्रीडिंग बॉक्स को हमने अपनी जगह पर रख दिया है, मगर ये बेचारे तोते डर रहे हैं। अभी हम बाहर आ जाते हैं, ऐसे नहीं बेचारे डर जाएँ और डरें। तो लॉक लगा देते हैं हम अंदर और इस अंडे को अभी मैं जाके फेंक देता हूँ, यहाँ पड़ा रहेगा, फिर चूंटियाँ आ जाएंगी। मैंने फेंक दिया है और इनके जो क्या नाम है बच्चे हैं हमारे लव बर्ड के, उन्हें उनके पेरेंट्स फीड भी बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं। माशा से बड़े बड़े हो गए हैं और उनके अभी क्या नाम है पर भी आने शुरू हो गए। मैं उन्हें भी छोटे होंगे मगर अभी माशा से बड़े हो गए हैं। अभी इन्हें मैं क्या नाम है जो सॉफ्ट फूड है वो देता हूँ, जैसे क्या नाम है छली मैंने मंगवाई है काशा, तो छली ला कर दे दिया इन्हें। और अभी इनका क्या नाम है फूड डालने का भी टाइम हो गया, अभी इन्हें दाना पानी देना है, वो भी काशा के देता है। तो नीचे नीचे जाके मुझे अपनी गप्पी को भी फूड डालनी है। और क्या नाम है मैंने सुबह देखा था मेरी गप्पी ने बच्चे दिए हैं, जो कि वो गप्पी जो मैंने क्या नाम है टब में डाली थी, मगर उसमें उसमें बच्चे नहीं दिए। फिर मैंने वापस उसको अपने ना एक्वेरियम में डाल दिया था जो मैंने बनाया था, उसमें उसने बच्चे दे दिए और तकरीबन 7 बच्चे हैं और बिल्कुल ही छोटे हैं। जो कि ऊपर बच्चे दिए ना फोन में मेरी क्या मैं बैलून फिश ने, उसके बच्चे फिर भी बड़े बड़े हैं और इसके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, फुर्तीले उसको पकड़ो ना भाग जाते हैं। अभी उनको अगर हो सका तो मैंने पकड़ के ना फोन में डाल दूंगा, अगर हो सका। वैसे तो पकड़े नहीं जा रहे, तो अभी चलते हैं जैसे कि उन्हें फीड देते हैं और जाके देखते हैं कि अभी वो ठीक हैं या फिर क्या हाल है उनका। देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे नहीं उनके पेरेंट्स ने खा जाए, कुछ पता नहीं है। हमारी गप्पी फिश इन्होंने ही बच्चे दे दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। ये फीमेल पहले मैंने अलग कर ली थी, फिर ये बच्चे दी थी मैंने, इसको इसमें डाल देते हैं एक्वेरियम में। फिर मैंने एक्वेरियम में डाल दी थी, तकरीबन 7 बच्चे दिए हैं, पता नहीं इतने कम बच्चे इन्होंने क्यों नहीं है, लगता है कम ही बच्चे देती हैं। ये रही हमारी फीमेल और एक केरा बच्चा और कुछ ये रहे। लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। अगर हमें चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आज का लॉग कैसा लगा। चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Hey man, I feel like a generation has given up on love.